मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी पहुंचे। यहां उन्होंने एलबीएस अकादमी में डिजिटल प्रदर्शनी और सेमिनार का शुभारंभ किया। इस मौके पर एलबीएस के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने पूरे जीवन में प्रशिक्षु रहते हैं, सीखने की कोई सीमा नहीं है और शिक्षार्थी बनने की कोई आयु नहीं है। सीएम धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम जारी है, साथ ही ड्राफ्ट तैयार होते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। इस मौके पर मोहन पेटवाल ने मसूरी की समस्या को लेकर एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि LBSNAA में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन व प्रेरणा से संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के साथ मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत समृद्ध भारतीय संस्कृति को व्यापक स्तर पर प्रचारित करने के लिए डिजिटल प्रदर्शनी की ये महत्वपूर्ण पहल है। अपने प्राणों का बलिदान किया जिन्होंने इसमें भाग लिया, उन सभी सेनानियों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने देश की आजादी हमारे नाम की। उन सभी को नमन करते हुए हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके द्वारा किए हुए संघर्ष की हमेशा ऋणी रहेगी। आजादी का यह अमृत महोत्सव न केवल उनके द्वारा किए गए त्याग को पुनः स्मरण करने का अवसर है बल्कि उनके सपनों का भारत बनाने का भी अवसर है। और हमको ये संकल्प लेना चाहिए आजादी के इस अमृत महोत्सव में कि हम जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और विदेशी आतंकियों की गोली उनको न प्रवेश करे, उन्होंने अपनी कनपट्टी पर अपनी भी रिवॉल्वर से अपने प्राणों को ले लिया।